हेलो रोवन कैसे हैं आप सभी मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लीगल पेडोलॉजी दोस्तों ये बात तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि करंट अफेयर्स चाहे आप सी ई यू की तैयारी करें या सी ई की तैयारी करें करंट अफेयर आपसे पूछा ही जाता है पर दिक्कत तब आती है जब ये समझ में नहीं आता है कि एक एक महीने में तो भैया तीन सौ इवेंट्स होते हैं तो किन इवेंट्स पे फोकस किया जाए और इन किन को हम इग्नोर कर सकते हैं तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नवंबर से जुड़े हुए वो ही इंपॉर्टेंट क्रूशल इवेंट्स जहाँ से आपसे एंट्रेंस एग्जाम में सवाल पूछ सकता है तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कोजिकोड़े की क्योंकि यूनेस्को ने कोजिकोड़े को सिटी ऑफ लिटरेचर डिक्लेयर कर दिया है कोजिकोड़े कहाँ पर है केरला में है और वहीं जो मध्य प्रदेश का शहर है ग्वालियर उसको सिटी ऑफ म्यूजिक डिक्लेयर किया है यूनेस्को ने तो एक को सिटी ऑफ लिटरेचर डिक्लेयर किया गया है और एक को सिटी ऑफ म्यूजिक डिक्लेयर किया गया है वहीं यूनेस्को का फॉर्म हुआ 1945 में फॉर्म हुआ यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे ओजोले और इसमें 193 कंट्रीज हैं जो इसकी मेंबर हैं तो ये तो पार्ट जो है ये जीएस का पार्ट बन गया स्टैटिक जीके का पार्ट बन गया और ऊपर वाला पोर्शन करंट अफेयर का अगला है दोस्तों कि अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर हैं लियोनेल मेसी उनको दोस्तों आठवीं बार बैलेंडियर अवार्ड मिला है अवार्ड बेस्ट फुटबॉलर को दिया जाता है तो लियोनल मेसी ने आठवीं रोनाल्डो जिन्होंने इस खिताब को पांच बार जीता है और सबसे पहली बार लियोनल मेसी को यह खिताब मिला था 2009 में दोस्तों फीफा अभी हुआ था वो कहाँ पर हुआ था कतर में हुआ था तो जीता किसने था अर्जेंटीना ने दो अगला फीफा होने वाला है यूएसए कैनेडा मेक्सिको में और दो का होगा सऊदी अरेबिया में वहीं महिलाओं में अगर हम बात करें महिलाओं में बैलेंडियर अवार्ड मिला है दोस्तों आइटाना बॉन मती को जो कि स्पेन की प्लेयर हैं ठीक है तो ये सारी ही फैक्ट्स आपको याद रखकर जाने हैं अगला है दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए और उस सॉफ्टवेयर का नाम है इनकोर ठीक है तो ये सवाल पूछ लेता है कि के इलेक्शन कमीशन ने कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है तो सॉफ्टवेयर का नाम है इनकोर और इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुई 1950 में हुई 25 जनवरी को और 25 जनवरी को भी हम नेशनल वोटर्स डे के तौर पे मनाते हैं इसी वजह से वहीं अगर आपसे पूछे कि पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन रही हैं इलेक्शन कमीशन की तो उनका नाम है वी रमा देवी वहीं अभी 25वें इलेक्शन कमिश्नर हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार और इलेक्शन कमीशन का जो तो आर्टिकल है अनुच्छेद है वो है आर्टिकल तीन सौ तो ये बातें भी आपको याद रखनी है अगला है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है सारनपुर वहां पे हमारे देश का पहली बार टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने जा रहा है सहारनपुर में आई रुड़की की एक ब्रांच सहारनपुर में है वहाँ पे इसको डेवलप किया जा रहा है जिससे कि टेलीकॉम सेक्टर में क्या क्या डेवलपमेंट हो सकती है उसके लिए प्रोत्साहन तो मिले उसके लिए मदद मिले अगला है दोस्तों कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था ये फिफ्टी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था जो कि कहाँ पर हुआ था गोवा में हुआ था सबसे पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कब हुआ था नाइनटीन में हुआ था तो इसमें दोस्तों बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है एंडलेस बॉर्डर को और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है माइकल डॉगलस को ठीक है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है माइकल डॉगलस को और बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड मिला है पंचायत सीजन टू को ओ की फुल फॉर्म क्या होती है ओवर द टॉप ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है क्योंकि आजकल ओ का प्रचलन बहुत है ठीक है दो तीन घंटे तो आप लोग लगा ही देते हैं रोज ओ पे कुछ कुछ देखने के लिए तो ओवर द टॉप होता है ओटी की फुल फॉर्म अगला है दोस्तों कि टेनिस का बहुत ही फेमस एक टूर्नामेंट है टूर्नामेंट का नाम है डेविस कप तो दोस्तों पहली बार इटली ने ऑस्ट्रेलिया को डिफीट किया है सिंस 1976 और अपना डेविस कप जीता है 1976 के बाद अब जाके इटली ने डेविस कप जीता है टेनिस से जुड़ा हुआ एक खिताब है वहीं अगर आपसे पूछे कि टेनिस का सबसे ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम कौन सा है सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है टेनिस का तो वो है विम्बलडन ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है किस पे खेला जाता है ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है और विंबलडन के बाद आता है यूएस ओपन ठीक है और अगला है दोस्तों कि कंबोडिया में एक मंदिर है नाम है अंगोरवट अंगोरवट मंदिर का नाम है विष्णु जी को समर्पित है ये मंदिर इसको दोस्तों शामिल किया गया है वंडर ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में जितने भी फेमस फेमस जगहें हैं पूरे विश्व में उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है जिसमें ताजमहल भी है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी है तो उसमें आठवें नंबर पर शामिल किया गया है कंबोडिया का मंदिर है वट यह बनाया किसने था वट मंदिर पूरे वर्मन टू ने पूरे वर्मन ने इस मंदिर की स्थापना की थी दोस्तों ये है वो आठ वंडर ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट ताजमहल भी है और वट भी है अगला है फिर कि हमारे देश में एक इंडिजिनियस टैंक डेवलप हुआ है मतलब हमारे देश ने उस टैंक को डेवलप किया है टैंक का नाम है जोरावर तो आपसे सवाल ये पूछ सकता है कि वो कौन सा टैंक है क्या नाम है उस टैंक का जो कि हमारे देश में ही बनाया गया है मैन्युफैक्चर किया गया है अगला है दोस्तों कि अभी आपने देखा ही होगा वैसे तो बहुत अच्छे से आप परिचित हैं एल ठीक है जो लोग जानते हैं वो जानते हैं ठीक है बढ़िया एकदम की बात चल रही धीरे ऋषि गुरु बनने की हम तैयारी में हैं और हमारे जो गुरु हैं वो आपके लिए गुरु माता भी लाने वाले हैं ठीक है तो मोदी जी गए हुए हैं भाई साहब गए थे अब तो वापस आ गए हैं दुबई गए हैं क्या अटेंड करने गए थे वर्ल्ड क्लाइमेट समिट कॉप 28 और वहीं पे जाके मोदी जी ने बोला है कि भैया 2028 अच्छा का ये जो समिट है वर्ल्ड क्लाइमेट समिट आप इंडिया में कर लीजिएगा अगला है दोस्तों खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023. खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का मैस्कॉट कौन है उज्ज्वला और उज्ज्वला इसको डिनोट करता है स्पैरो बर्ड को ठीक है और ये होंगे कहाँ पे? खेलो इंडिया पैरा गेम्स न्यू दिल्ली में दिव्यांग लोग पार्टिसिपेट करेंगे ठीक है तो दोस्तों हम टी के लिए टी के लिए हम कोर्सेज रन कर रहे हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे जिसका नाम है लीगल पेडागोजी आप गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो हम अलग अलग कोर्सेज रन कर रहे हैं जिसमें कि करंट अफेयर का कोर्स भी है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ जिसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जा रहे हैं अगर बाई चांस कोई लेक्चर आप मिस आउट कर जाते हैं तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट कराई जा रही है मैथ्स का भी कोर्स रन करें जिसको निखिल सर दे रहे हैं है। उसकी कॉस्ट पंद्रह सौ रुपये है करंट अफेयर की फीस हज़ार रुपये है रीजनिंग जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ फीस बारह सौ रुपए है आप चाहें तो इस कॉन्टैक्ट नंबर से सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कोचिंग लेंगे तभी आपका सिलेक्शन होता है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं पर मैं ये कह रहा हूं कि आप बड़े बड़े ब्रांड्स पे जाने से पहले एक बार जरूर डेमो क्लास अटेंड करिए एक बार आइए कोई कोर्स परचेज करके देखिए अगर आपको कोचिंग कहीं से लेनी है वरना सेल्फ प्रिपरेशन से भी एंट्रेंस निकाला जा सकता है अगला है दोस्तों कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान एडोप्ट किया था और संविधान इंप्लीमेंट कब हुआ था इंप्लीमेंट हुआ था छब्बीस जनवरी उन्नीस को अगला है दोस्तों नागालैंड में एक फेस्टिवल बहुत फेमस है क्योंकि पूछ लेता है फेस्टिवल से भी सवाल फेस्टिवल का नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल ये कहाँ का फेस्टिवल है नागालैंड का फेस्टिवल है वहीं एक और बहुत फेमस है फेस्टिवल नाम है लोसार लोसार कहा का फेस्टिवल है भाई तिब्बत का फेस्टिवल है तिब्बत का नया साल भी नया वर्ष भी इसको कहा जाता है अगला है दोस्तों जी आई टैग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है उसकी जो केसर है उसकी जो सेफरन है उसको जी आई टैग मिला है क्या उसको जी आई टैग जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है अगला है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश सरकार ने डिक्लेयर किया है कि 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे मनाया जाएगा बताइए नो नॉनवेज डे भी मनाया जाएगा अब देश में उत्तर प्रदेश ने ऐसा डिक्लेयर किया है कि वहां पर मनाया जाएगा 25 नवंबर को अगला है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश में एक जिला है दमोह जिला ठीक है दमो जिला है वहां पर हमारे देश का सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इनाइगोरेट होने वाला है तो आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहां पर इनाग्रेट होने वाला है मध्य प्रदेश के दमो में अगले दोस्तों फिक्की जिसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उसके प्रेसिडेंट अगले नियुक्त किए गए हैं अनिश शाह तो यहां से भी सवाल पूछ सकते हैं और फुल फॉर्म से भी पूछ सकते हैं अगर फुल फॉर्म से पूछेगा तो एक जीएस का सवाल बन जाएगा और प्रेजिडेंट कौन बनाए गए हैं इससे पूछेगा तो वो करंट अफेयर का सवाल बन जाएगा अगला है दोस्तों कि पॉल लिंच की एक नॉवल है किताब है प्रॉफिट सॉन्ग उसको दोस्तों 2023 का बुकर प्राइज मिला है बुकर प्राइज नॉवल लिखने वाले लोगों को दिया जाता है तो 2023 का बुकर प्राइज दिया गया है पॉल लिंच की किताब प्रॉफिट सॉन्ग को ठीक है अगला है दोस्तों कि इंडिया और नेपाल के बीच में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है उस एक्सरसाइज का नाम है सूर्य किरण और वो कहाँ पर हो रही है उत्तराखंड के पिथौरगढ़ में वहीं इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है नाम है इतरा शक्ति ये कहाँ पर हो रही है ये हो रही है की मिलिट्री एक्सरसाइज से भी सवाल आ जाता है तो इसके बारे में जानना जरूरी है अगला है दोस्तों कि 24 नवंबर को हर साल शहीद दिवस के तौर पे गुरुतेक बहादुर जी को याद किया जाता है ठीक है क्योंकि उसी दिन औरंगजेब ने औरंगजेब ने इनको अटैक किया था एंड ही वाज किल्ड ऑन ट्वेंटी फोर्थ नवम्बर ये नाइन्थ सिख गुरु हैं ये नाइन्थ सिख हैं श्री गुरु तेग बहादुर जी अगला है दोस्तों कि 25 नवंबर को हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन इसको यूएन ने डिक्लेयर किया था जिससे कि महिलाओं के खिलाफ जो वायलेंस होता है उनको रोका जा सके और इस साल की थीम थी स अगेंस्ट वर्ल्स दोस्तों क्योंकि शेयर मार्केट आईपीओ ये सब काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं तो इसकी एक रेगुलेटरी बॉडी है अडानी के बनी रही है नाम है सेबी ठीक है तो इसकी फुल फॉर्म क्या है इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये स्थापित कब हुई ये स्थापित हुई थी बारह अप्रैल नाइनटीन को इसका हेडक्वार्टर है भाई में। और इसके चेयरमैन है भाई पूरी बोच और किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे सेटअप हुई थी से भी वो है उदय कोटक कमेटी ठीक है वो है उदय कोटक कमेटी तो ये बातें जानना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि शेयर मार्केट और अडानी का केस काफी ज्यादा न्यूज में हमें देखने को मिलता है अगला है दोस्तों कि इंडिया और यूएसए के बीच में एक जॉइंट एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट हुई वज्र प्रहार कहां पर हुई मेघालय के उमरुई में अब निकम्मो एक काम जरूर कर देना क्योंकि मेरा बोलते बोलते गला थक गया है और मैं पूरा करंट अफेयर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ नवंबर का तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो और अगर कंटेंट नहीं पसंद आ रहा था तो अभी तक तो, तो तुम जा चुके हो थे यार, तो बैठे क्यों ठीक है अगला है दोस्तों की बिहार की सरकार ने रिजर्वेशन को 50 परसेंट से बढ़ा के पैंसठ परसेंट कर दिया है ठीक है अब रिजर्वेशन आरक्षण वहां पे पैंसठ परसेंट हो गया है और अगला है दोस्तों कि विश्व में अगर देखा जाए कहां पर सबसे ज्यादा यूनिकॉर्स हैं यूनिकॉर्न उन कंपनी को कहा जाता है जिनकी वैल्यूएशन जिस कंपनी की नेटवर्थ वन बिलियन डॉलर या उससे ज्यादा होती है ठीक है उस कंपनी को यूनिकॉर्न कहा जाता है पहला यूनिकॉर्न हमारे देश का बायजूस था ठीक है तो इस रैंकिंग में इंडिया तीसरे पर है ठीक है क्योंकि इंडिया में बहत्तर ऐसे यूनिकॉर्न है नंबर वन पे कौन है यू एस पे कौन है चाइना और तीसरे पे है इंडिया और ग्लोबल हंग हंगर इंडेक्स में भुखमरी में इंडिया का स्थान है एक सौ ग्यारह भाई मैं तो बोलता हूँ इसमें चाहे हम तीसरे पे आए ना आए पर इसमें सबसे अच्छी बैंकिंग हमारी होनी चाहिए अच्छी का मतलब यह कि हमारे देश में भुखमरी कम होनी चाहिए बेशक हम यूनिकॉर्न कम से कम बनाएं भाई पेट जरूर भरा होना चाहिए अगला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इनोवेशन में इंडिया की रैंकिंग है फोर्टी नंबर वन पर है स्विट्जरलैंड अगला है दोस्तों कि मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया है टेनिस को, एन पेलेसियोस को मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब मिला है यहाँ से सवाल पूछेगा आपसे कोई याद रखना है आपको और अगला है दोस्तों बहुत ही दुखद जो हम सभी के लिए था जिससे अभी तक हम लोग नहीं उभरे हैं कि इंडिया को हरा के ऑस्ट्रेलिया आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 वनडे का जीत गया था छठी बार है कि ऑस्ट्रेलिया जीता है आईसीसी वर्ल्ड कप को वहीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आईसीसी वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हमारे देश की जान और शान गोट कहलाए जाने वाले विराट कोहली और दोस्तों आखिरी इवेंट है कि लीगल सर्विसेज डे हर साल मनाया जाता है 9 नवंबर को क्योंकि इसी दिन इसी दिन इसकी नींव रखी गई थी कि फ्री लीगल एड और ये सब प्रोवाइड की जाएगी लोगों को और लसा नालसा एक अथॉरिटी है ठीक है जिसके पैटर्न इन चीफ होते हैं ई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचून है EGI, India, भी ये कब बनाई गई थी ये बनाई गई थी पाँच दिसंबर 1995 को तो दोस्तों ये थे नवंबर से जुड़े हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि आपसे कुछ भी पूछेगा आप इसको बस अच्छे से पढ़ के जाइए रिवाइज करिए और करंट अफेयर को याद रखने का एक ही तरीका है कि बार बार डिवाइस करिए थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय हर हर म